स्वागत है आपका दस्तक लाइव में। आइए बढ़ते हैं इंदौर की खबरों की ओर। नकली नोट छापने वाले एक शातिर बदमाश को क्राइम ब्रांच की टीम ने घेराबंदी कर दबोचा है। पकड़ा गया आरोपी घर में ही लैपटॉप और प्रिंटर की मदद से नकली नोट छाप रहा था। उसके कब्जे से 2,53,000 के नकली नोट बरामद किए गए हैं। उक्त आरोपी राजकुमार सब्जी मंडी में इन नकली नोटों को खपाने आया था और उसी दौरान पुलिस की टीम ने उसे धर दबोचा। फिलहाल उसने अब तक कितने नोट छापकर बाजार में चलाए हैं और कब से वह जालसाजी को अंजाम दे रहा था, इसके संबंध में पूछताछ की जा रही है। इंदौर क्राइम ब्रांच को मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति नोट छापकर मार्केट में खपा रहा है और वह नोटों का बंडल साथ में लेकर सब्जी मंडी में खपाने जा रहा है। मुखबिर की सूचना की तस्दीक करने के बाद बताए गए हुलिये के आधार पर क्राइम ब्रांच की टीम ने आरोपी को घेराबंदी कर पकड़ा है, जिसकी तलाशी में भारी मात्रा में नकली नोट पुलिस ने बरामद किए। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम राज रतन, पिता अनिल ताड़े होना बताया। वहीं आरोपी के पास एक बैग था, जिसकी तलाशी लेने पर उसमें से रखे 100, 200, 500 व 2000 के नकली नोट पुलिस ने बरामद किए हैं। वहीं आरोपी राज रतन ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि उसका मुख्य उद्देश्य नोट चलाना होता था और उसके लिए वह स्थानीय ठेले व सब्जी वालों को अपना शिकार बनाता था। वहीं आरोपी की निशानदेही पर जब उसके घर की तलाशी ली गई तो वहां से नोट छापने का प्रिंटर, नोट हाई क्वालिटी का पेपर, ग्लास कटर, लैपटॉप व कई सामग्री जो नोट छापने के उपयोग में आती है उसे पुलिस ने बरामद किया है। आरोपी पिछले 2 माह से नोट बनाने का काम कर रहा था। आरोपी से पुलिस पूछताछ कर रही है, इसमें अब तक कहां कहां कितने नकली नोट खपाए हैं। फिलहाल प्रथम दृष्टया आरोपी ने 20,000 इंदौर के सीमावर्ती गांव में खपाना स्वीकार किए हैं। ये क्राइम ब्रांच इंदौर को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति नकली नोट छाप रहा है और उसको बाजार में खपाने की दृष्टि से वो घूम रहा है। इस सूचना पे क्राइम ब्रांच ने इसको दबोचा और इस व्यक्ति का जब तलाशी ली तो इसके पास से नकली नोट बरामद हुए और इसके उपरांत इसके आवास की तलाशी ली गई तो जहां इक्विपमेंट मिले, कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर, कलर प्रिंटर, वो जो पेपर होता है जिस पे वो छापते हैं, और इम्पोर्टेंटली कटिंग मटेरियल जिससे वो उसको साफ़ सफाई से नोट को काटे। आपने देखा होगा कि ये नोट जो हैं वो पहली नज़र में हूबहू वैसे ही लगते हैं और इसको अरेस्ट करके पूछताछ की जा रही है। इसने अभी बताया तो यही है कि अभी 2 माह से ये करीब करीब 2 माह से ये इसको इसने ये काम शुरू किया है, लेकिन अब इसकी गहन पूछताछ कर वस्तु स्थिति ज्ञात की जाएगी। पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड इसका रहा है, एक मारपीट का कोई प्रकरण है, 3 टोटल प्रकरण इस पर आपराधिक दर्ज हैं और आगे इसकी अभी पूछताछ करके और इसने कहां कहां इनको उपयोग में लाया है, कौन और इन्वॉल्व हैं, इस संबंध में भी विवेचना की जा रही है। आरोपी का नाम क्या है? आरोपी का नाम राजकुमार ताइड़े। पूर्व में इसके 3 अपराध हैं, 3 अलग अलग जगह पर। अभी जो इसने प्रारंभिक पूछताछ में बताया कि करीब 2 माह तक से ये इस कार्य में लगा है, किंतु सहसा विश्वसनीय नहीं है और अभी इसकी और तहकीकात करेंगे, पूछताछ में सत्य सामने आएगा। हाँ, ये गत 2 माह की ही अवधि इसने अभी बताई है, ये इसका कथन है, वास्तविकता अभी और ज्ञात करेंगे जी। अभी तो इसने बताया कि इसने अभी प्रारंभ ही किया था और कोई ज़्यादा संख्या में इसने नहीं किए हैं, ये इसका कथन है जो इसने अपनी अपना स्टेटमेंट दिया है। इसकी पूर्व प्रोफाइल अभी और इन्वेस्टिगेशन में आएगी, क्या ये करता रहा। महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि सभी शहर की जो हमारे नागरिक हैं वे ये ध्यान रखें कि जो करेंसी नोट्स वो ले रहे हैं या उनके पास में हैं उसके ऊपर वो एक बार ध्यान रखें कि उस पर सारे सिक्योरिटी फीचर्स हैं कि नहीं। जैसे 500 के 2000 के नोट पे बड़े स्पेसिफिक सिक्योरिटी फीचर्स रहते हैं, वो नेट पे अवेलेबल हैं, तो उनका हाई डिनोमिनेशन नोट्स का सिक्योरिटी फीचर्स को एक बार ज़रूर परख लें। ये सबके हित में है, ये मूलतः राष्ट्र हित में है।
तो ये सभी उत्तरदायी नागरिकों का कर्तव्य भी है कि अगर इस प्रकार का कोई उनको संदिग्ध नोट मिलता है तो उस पर चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसका फिर समुचित उसका अनुसंधान होना आवश्यक है। तो ये सभी से पुनः अनुरोध है कि जो भी हाई डिनोमिनेशन एटलीस्ट नोट्स हैं उनके बारे में उनके सिक्योरिटी फीचर्स को ज़रूर एक बार परख लेंगे। थैंक यू। ये तो जो सिंपल पेपर के ऊपर जो अपना सिंपल बॉन्ड पेपर है उसके ऊपर प्रिंट कर रहा था। हाँ, अकेला है, लेकिन ये इसका अपना स्टेटमेंट है। तहकीकात में और चीज़ें सामने आएंगी, ये तो फर्स्ट स्टेटमेंट अभी लिया गया है और आप लोगों का किया।